Hey kids, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy, and hope you are enjoying the classes. So, how are you all, bachche? Are you all right? Okay, very good. So, let's start with our English grammar class. Bachche, aaj hum English grammar mein chapter seekhenge male and female ka. Hum male aur female mein difference seekhenge ki kya hota hai. Chapter 7 open karenge, page number 25 par. Theek hai? Male aur female kya hota hai? Like you are a boy, I am a girl. You are a male and I am a female. जो जेंट्स लोग होते हैं, बॉयज लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं मेल, और जो गर्ल्स लेडीज होती हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? फीमेल्स. सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक बॉय इज अ मेल और फीमेल क्या होती है? गर्ल. मैम के पास एग्जाम्पल्स हैं आपको दिखाने के लिए. लाइक ही इज अ बॉय एंड ही इज माई ब्रदर ऑल्सो. देखो ये एक है बॉय, तो ये क्या है? मेल. एंड शी इज अ गर्ल, तो ये क्या है? फीमेल. बॉय मेल, गर्ल फीमेल. ठीक है. नेक्स्ट कम्स ब्रदर सिस्टर. ब्रदर इज अ मेल, सिस्टर इज अ फीमेल. ओके, सो बॉय गर्ल ब्रदर सिस्टर. ओके, तो जो बॉयज लोग होते हैं वो क्या होते हैं? मेल्स. लाइक आई एम हैविंग वन मोर एग्जाम्पल, फादर ही इज अ मेल, ये एक मेल है. नेक्स्ट कम्स योर मदर, शी इज अ फीमेल, ये क्या है? एक लेडी है, तो ये क्या है? फीमेल. सो पेयरिंग करेंगे हम, फादर मदर. ठीक है. अंकल आंट, अंकल आंट. नेक्स्ट कम्स आई एम हैविंग मोर एग्जाम्पल्स, ग्रैंड फादर. ग्रैंड फादर चाहे बूढ़े हो गए हैं, है तो मेल ना, बॉय है, तो ग्रैंड फादर. एंड नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर इज अ फीमेल लेडी, ये एक लेडी है. एंड ग्रैंड फादर इज अ बॉय, ये एक जेंट्स है, तो ये क्या है? मेल. He is a male and she is a female. Grandfather, grandmother. Clear? Next, I am having one more example for you all. Doctor. Doctor is a male. And she is a nurse. She is a female. So, doctor, nurse. Doctor is a male and nurse is a female. ठीक है? तो जो डॉक्टर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, या फिर फादर होते हैं, या बॉय होता है, ये सब कौन होते हैं? मेल्स, बॉयज होते हैं. बॉयज को क्या कहते हैं? मेल्स. नेक्स्ट कम्स, चाहे आपकी ये नर्स है, देखो चाहे ये नर्स है चाहे ये गर्ल है, ठीक है, दे बोथ आर फीमेल्स, गर्ल्स हैं ये. उसके बाद चाहे आपकी अपनी मम्मा है चाहे आपकी ग्रैंड मम्मा मीन्स दादी है, ये दोनों कौन है? फीमेल्स, क्योंकि दोनों कौन है? लेडीज, इसलिए इन्हें फीमेल्स कहते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? मेल फीमेल, मेल कहते हैं जेंट्स लोगों को और फीमेल होती है लेडीज. मैन वुमैन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. एक्टर होते हैं हीरो, एक्ट्रेस होती है हीरोइंस. बॉय गर्ल, अंकल आंट. बुल काओ, काओ भी ना दो तरीके की होती है, कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल्स होते हैं. जो मेल होते हैं उन्हें बुल बोलते हैं और जो फीमेल होती है उन्हें काओ बोलते हैं. नेक्स्ट इज हॉर्स, मेयर. जो हॉर्स होता है वो मेल होता है और जो हॉर्स की वाइफ होती है उसे मेयर बोलते हैं. देन ब्रदर सिस्टर सन, डॉटर सन होता है घर का बेटा, डॉटर होती है घर की लड़की. देन टाइगर टाइग्रेस, ब्राइड ग्रूम ब्राइड. ब्राइड ग्रूम होता है जो जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, तो जो दूल्हा होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड ग्रूम और जो दुल्हन होती है उसे बोलते हैं ब्राइड. देन किंग मीन्स राजा, क्वीन मीन्स रानी, प्रिंस प्रिंसेस. क्लियर हो गया? कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, चैप्टर फिनिश्ड. Write female words of the given male words. यहाँ पे आपको male दिए हुए हैं, इनके female लिखो.
मैन वुमैन अंकल आंट हॉर्स हॉर्सेस नहीं हॉर्स और हॉर्सेस तो सिंगुलर प्लूरल होता है हॉर्स का मेयर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ठीक है ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मेल और फीमेल अब आपको सेंटेंसेस पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग बताओ कि यहाँ पे मेल आएगा या फीमेल शी इज माई शी किस के लिए यूज होता है गर्ल्स के लिए फीमेल्स के लिए ही किसके लिए यूज होता है मेल मीन्स बॉयज के लिए तो शी इज माई ग्रैंड मदर मदर सिस्टर कुछ भी लिख सकते हो ही इज माई फादर ब्रदर कुछ भी लिख सकते हो ही इज माई अंकल भी लिख सकते हो द डैश इज द किंग ऑफ द जंगल जंगल का किंग कौन होता है लायन माई अंकल इज फैट बट माई डैश इज थिन मेरे अंकल तो बहुत मोटे हैं लेकिन मेरी जो डैश है वो थिन है क्या है आंट कैसे पता लगा ये आंट आएगा क्योंकि अंकल का ऑपोजिट क्या होता है आंट क्लियर नेक्स्ट इज राइट द मेल फॉर द गिवन वर्ड्स अब यहाँ पे फीमेल वर्ड्स दिए हुए हैं उनका आपको मेल लिखने हैं जैसे कि सिस्टर सिस्टर का उल्टा क्या होता है ब्रदर ब्रदर होते हैं मेल बी आर ओ टी एच ई आर देन गर्ल बॉय टाइग्रेस टाइगर ठीक है बहुत इजी चैप्टर था ना इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और मैम असाइनमेंट सेंड करेंगे होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड थैंक यू